यहाँ पे जो भी लोग दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट सारे लोग जॉबलेस हैं। और ये सऊदी अरब का नज़ारा है, देखिए सऊदी अरब में भी इंटरव्यू चल रहा है, जैसे कि आप लोग मुंबई जाते हैं दिल्ली जाते हैं सेम टू सेम ऐसे। अगर आप लोग भी सऊदी अरब में आजाद वीजा पे आने वाले हैं तो आजाद वीजा पे आने के बाद सऊदी अरब में कैसे नौकरी मिलता है आपको, सारी चीज आपको हम बताने वाले हैं। और एक ऐसे जगह पे लेकर चलने वाले हैं मेरे भाई कि अगर आप लोग मुंबई गए होंगे काम कराने के लिए, तो एक मुंबई में दुखिया पार्क है, तो दुखिया पार्क आपको 100% यहाँ पे याद आ जाएगा। मुंबई में जो दुखिया पार्क है, सेम टू सेम आपको एक ऐसा पार्क में हम लेकर जाएंगे कि जहाँ पे जाएंगे अगर आप लोग आजाद वीजा पे रहते हैं तो वहाँ पे भी वैकेंसी जैसे दुखिया पार्क में लगाया जाता है, कारपेंटर का, स्टील फिक्सर का, फोरमैन का, जो भी ट्रेड होता है आपका, तो वैसे सारे चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे दुखिया पार्क, जैसे याद आ जाएगा आपको, इस पार्क का नाम है रियाद पार्क जो जुबेल में है। तो रियाद पार्क आज हम चलते हैं, यहाँ पे जुबेल में आए हुए थे घूमने के लिए, तो मैं सोचा कि भाई यहाँ पे चलते हैं देखते हैं। लोग बता रहे थे कि भाई वहाँ पे जाएंगे तो इतने ज्यादा आजाद वीजा वाले लोग रहते हैं कि उन लोगों को जल्दी जॉब नहीं लगता है कभी कभी, तो ऐसे ऐसे जगह पे लोग आते हैं देखते हैं वहाँ पे वैकेंसियाँ देखते हैं, किसी को लगता है तो चले जाते हैं। लेकिन एक बात मेरा याद रखना मेरे भाई, अगर आप लोग भी आजाद वीजा पे आते हैं तो आने से पहले जरूर ना जरूर किसी न किसी बंदे से अगर आप लिंक बना कर रखे हुए हैं, किसी कंपनी से लिंक है आपका, कोई आपका वहां पर रेफरेंस है, तो आप कोशिश करना आने के लिए, तो आने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, कोई आदमी नहीं है, तो अगर आप आते हैं यहाँ पे तो यहाँ आने के बाद आपके रहने का काम, रहने का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, खाने का खर्चा, उसके बाद आपको आइडिया भी नहीं रहेगा यहाँ पे कैसे जॉब लगता है, तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। और दूसरी चीज़ की जब आप आते हैं, अगर आ ही गए हैं, तो यहाँ पे सप्लायर का नंबर फाइंड आउट कीजिए आप। सप्लायर का नंबर अगर आपको मिल जाता है, जो सप्लायर लोगों को काम पे लगाता है, किसी न किसी कंपनी से उसका कॉन्टेक्ट रहता है, अगर आप उस कैटेगरी के मिलते हैं, उसको ज़रूरत है तो आपको काम पे लगा सकता है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो ये सारे चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और किसी भी सप्लायर के साथ में जाने से पहले उस सप्लायर का बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर आप लोग पता कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सप्लायर आपसे काम करा ले उसके बाद से फिर आपको पैसा ना दे, 2 महीने उसके साथ में काम करेंगे उसके बाद फिर पैसा आपको जल्दी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या फ़ायदा उसके साथ में काम करने के लिए, बाद में फिर आपका इकामों को रिन्यू करना पड़ेगा, बहुत ऐसा खर्चा यहाँ पे है। तो ये बात जरूर आप लोग याद रखिएगा, किसी भी सप्लायर के साथ में अगर जाते हैं काम करने के लिए तो उस सप्लायर का बैकग्राउंड के बारे में जरूर पता कर लीजिएगा, अगर आप लोग पता नहीं करेंगे तो फिर आप लोग फंस सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ, जो पार्क का नाम है रियाद पार्क जो जुबेल में है, वहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊंगा, और देखने के बाद आप लोग खुद सोचेंगे कि भाई सच में हम मुंबई का दुखिया पार्क में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप लोग, ये रियाद पार्क है जो जुबेल में है, और यहाँ पे जितने भी लोग आपको नज़र आते हैं तो इसमें से ऑलमोस्ट 90% लोग जॉबलेस है, और ये लोग आज़ाद वीज़ा वाले लोग हैं। और यहाँ पे इसलिए ये लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे सप्लायर का ऑफिस सबसे ज़्यादा है, और सप्लायर लोग क्या करते हैं कि पर्चा, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा दुखिया पार्क या किसी भी मुंबई में जाते होंगे काम वगैरह कराने के लिए, तो पर्चा लगाया जाता है, तो वैसे पर्चा यहाँ पे ये लोग लगाते हैं कौन कौन से कैटेगरी का काम है, तो ये लोग देखते हैं और इन लोगों को उस कैटेगरी से मैच करता है तो ये लोग फिर उन लोगों से बात करते हैं, अच्छा सप्लायर रहता है तो उन लोगों के साथ में काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इतना बात आप लोग याद रखिएगा भाई, आज के डेट में नौकरी बहुत मुश्किल से मिलता है मेरे भाई, और आज़ाद वीजा पे आ करके ये समझो कि 3 लाख 4 लाख रुपये लोग फंसा करके आ करके ऐसे यहाँ पे जॉब खोज रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं। तो इसलिए मैं बता रहा था आप लोगों को कि रेफरेंस लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपकी कोई यहाँ पे चाहने वाला है, कोई जानने वाला है, तो उनके साथ में आ करके आप लोग काम पे लग सकते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं ये लोग किस लिए रहते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो पोल है, पोल के ऊपर पोस्टर लगाया गया है, यहाँ पे देखिए पोस्टर लगाया गया है, और यहाँ पे नंबर भी मिलेगा, कैटेगरी भी मिलेगा कि कौन कौन से काम की आवश्यकता है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सारे चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये जैसे कि अगर आप लोग मुंबई में जाते हैं ना तो लगाता है पर्चा, वैसे आपको यहाँ पे नज़र आता होगा, देखिए हर कैटेगरी का आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक सप्लायर है कोई, उसको कौन कौन से काम की ज़रूरत है, यहाँ पे सब लगाया गया है, यही लोग आते हैं यहाँ पे और ये लोग देखते हैं, फिर उन लोगों से बात करते हैं, और अच्छा सैलरी अगर देता है तो वो लोग चले जाते हैं उन लोगों के साथ में काम करने के लिए। तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई आज के डेट में, देखिए यहाँ पे स्टील फिक्सर, कारपेंटर, रिगर, मेसन, सारे काम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रिगर लेवल 3 का 14 रुपया यानी 14 रियाल पर आवर दे रहा है, टेक्नीशियन वगैरह भी है यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे भाई काम मिलता है। देखिए यहाँ पे सारे लोग ये खड़े हैं, ये लोग
अपना अपना जॉब रिलेटेड यहाँ पे पर्ची पे देख रहे हैं, और इनके जॉब रिलेटेड अगर मिलता है काम तो ये लोग सप्लायर से फिर बात करने के बाद जो भी वो लोग डॉक्यूमेंट्स इन लोगों से मांगेंगे, जैसे इकामा वैलिड होना चाहिए, अजीर का पेपर होता है, मुकीम का होता है, बहुत सारे पेपर होता है, अगर उनके पास है तो ये लोग काम पे लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई, बहुत मुश्किल है आज के डेट में नौकरी पाना। अगर आप लोग भी आते हैं तो हम आप लोग के लिए दुआ करेंगे कि आते आते आपको नौकरी लग जाए। लेकिन ट्राई आप लोग कीजिएगा, जिस फील्ड में है उस फील्ड का हीरो बनना। आप लोग जो भी काम जानते हैं अच्छे से उस काम के बारे में ज़रूर जानिए, पता कीजिए और एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद ही आइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी लाइन लगकर इंटरव्यू होता है मेरे भाई, जैसे आप लोग इंडिया में देखते हैं। और दिखाया जैसे आप लोगों को ये सारे लोग जितने भी लोग हैं जॉबलेस है आज के डेट में। और इतने ही नहीं, ये तो एक जगह के बात पर बता रहा हूँ, सऊदी में पूरे जगह पर, सऊदी नहीं बल्कि हर जगह, हर देश का यही हाल है। तो बस मेरे को ऐसा लगा कि आप लोग को हम थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा अवेयरनेस दें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।